नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी। स्वागत आप सभी को फिर से एक बार आपके हमारे यूट्यूब चैनल एडिफिम्स एंड फोटोग्राफी पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने फिर से एक बार ब्राइडल शूट किया है एसोनिस ब्राइड का, तो आज हम उसका बैनर सीन दिखाने वाले हैं। तो शूट के लिए मैंने कौन सा गियर, कौन सा लेंस, कौन सा लाइट, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया है सभी आपको बताते हैं। तो शूट के लिए मैंने निकॉन Z6II कैमरा यूज़ किया है और साथ में टैमरॉन का लेंस 7200 और लाइट यूज़ किया है गोडॉक्स का ED200 Pro और एक सॉफ्ट बॉक्स यूज़ किया है जो 120cm का है, साथ में एक रिफ्लेक्टर 5-in-1 रिफ्लेक्टर जो आता है वो यूज़ किया है। तो शूट के लिए मैंने कौन सा सेटिंग्स रखा है आपको फोटोज़ में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक हिडन सेटिंग बताऊंगा जो कि मैं यूज़ करता हूं। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा लेकिन जिसको पता नहीं है उसके लिए यूज़फुल होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो के अंत पर आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मेनू पे, उसके बाद फोटो शूटिंग मेनू, उसके बाद सेट पिक्चर कंट्रोल। पिक्चर कंट्रोल मैंने पोर्ट्रेट चूज़ किया है। पोर्ट्रेट चूज़ करने के बाद आपको ओके का साइड वाला बटन, राइट वाला बटन आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको शार्पनिंग को 5 स्टॉप बढ़ा लेना है, क्लियरिटी को 1 स्टॉप डाउन करना है और सैचुरेशन को 1 स्टॉप बढ़ाना है। यह था मेरा बेसिक सेटिंग्स। आप ये बेसिक सेटिंग्स कर ले अपने कैमरे पे, आपके इमेज क्वालिटी पे चेंजेस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक से मैं भी इंस्पायर होता हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह का फोटोग्राफी से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पर। तब तक के लिए राधे राधे।